गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज संस्कृत क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन विचार। यहाँ वर्णों के बारे में बताया गया है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। तो स्वर वर्ण भावेश कहलाता है। ये कितने हैं? 13 हैं। भावेश 13 होते हैं। 5 ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, ई, उ, री और लृ। हिंदी में ये लृ नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में ये होता है। हस अ, हस ई, हस उ, री, लिरी। ये मूल स्वर होते हैं। चतवारा दीर्घ स्वर, 4 दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री। लिरी स्वर दीर्घ रूप में नहीं आता है। ये जो लिरी दिया हुआ है, लिरी ये मूल स्वर में नहीं आता है, दीर्घ रूप में नहीं आते हैं। चतवारा संधि स्वर, 4 संधि स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर संधि कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का वर्ण है व्यंजन, या कंसोनेंट भी कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, यानी 33 हैं। और इसको हर एक वर्ग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। क वर्ग, क वर्ग में क से लेकर अंग तक आता है। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, अंतस्थ में य, र, ल, व। और ऊष्म वर्ण में कौन कौन आते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर एक वर्ग में, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, सब में क्या दिया हुआ है? नीचे हलंत दिया हुआ है। और इस हलंत का अर्थ होता है आधा, यानी कि क आधा है, ख आधा है। इसी तरह से ये सभी आधा हैं। अयोगवाहा, अनुस्वर और विसर्ग को अयोगवाहा कहा जाता है। अनुस्वर जिसको हम लोग ऊपर में बिंदु देते हैं वो होता है अनुस्वर, और विसर्ग क्या होता है? बगल में हम लोग दो डॉट लगा देते हैं, वो विसर्ग कहलाता है। और ये दोनों ध्वनि के उदाहरण हैं संयुक्त। जैसे यहाँ पर संयुक्त लिखा हुआ है, तो स के ऊपर में क्या है? ये जो बिंदु है वो अनुस्वर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर अंत में त, त के बाद ये विसर्ग दिया हुआ है ना, तो संयुक्त। उसी प्रकार से संस्कार, संसार, संस्कृति इत्यादय। अनुस्वर और विसर्ग का प्रयोग स्वर के योग से होता है, अर्थात स्वरों के मिलने से होता है। अनुस्वर और विसर्ग का प्रयोग कब होता है? स्वर के योग से होता है, या स्वरों के मिलने से होता है। अनुस्वर बोधा, संधि नियम के अनुसार म, यह व्यंजन विकल्प से अनुस्वर होता है। विकल्प से अनुस्वर होता है। ये जो म है ना, म है, म हलंत है। यह व्यंजन क्या होता है? विकल्प के अनुसार होता है, तब व्यंजन उसके पहले लगता है। जैसे अहम, अहम गच्छामि, यहाँ पर देखिए म व्यंजन के रूप में लिखा गया है ना, म। और यहाँ देखिए अहम गच्छामि, और यहाँ पर ह के ऊपर में क्या दिया हुआ है? अनुस्वर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है? विकल्प से होता है।
अवधेयम, इसको याद करने वाला याद इसको कर लीजिएगा, अनुस्वरा सदैव मास व्यंजन घोतका, अनुस्वर हमेशा ही माँ का व्यंजन का घोतक नहीं है। कैसे, जैसे यहाँ दिया हुआ है अहंकारा, यहाँ पर ये जो माँ है, ये जो अनुस्वर है ना, ये हमेशा क्या नहीं होता है, माँ के रूप में नहीं आता है। तो अहंकारा यहाँ पर देखिए, अहंकारा यहाँ अंगा और क आ गया है, यहाँ पर गंगा है ना, यहाँ पर भी वही आया है। तो अंगा क वर्ग, वर्ण परे आगति, अंगा पहले आ जाता है, ठीक है। संजय, सेकंड उदाहरण है संजय, यहाँ पर संजय, यहाँ पर ज के पहले क्या है, इया है, इदम च, इदम च, यहाँ पर इदम च एक साथ मिलाकर लिखा है, तो इया पहले है फिर च है। तो यहाँ पर ये जो माँ है वो आपका इया च वर्ग के अंत में जो इया आता है वही हो जाता है, चूँकि आधा है इसीलिए यहाँ पर आधा इया लग गया है ना। थ्री में आनंद, आनंद को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ना, आना के ऊपर में क्या है, अनुस्वर है, तो यहाँ पर ये आधा ना लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर त, ना त वर्ग वर्ण परिसति, अर्थात यहाँ पर त वर्ग का जो ना है वही ना आ जाता है, आधा ना यहाँ पर लग गया है, ठीक है। संयुक्त वर्णा, संयुक्त वर्णा, संयुक्त वर्ण में इसमें नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, अर्थात मिला हुआ होगा। यहाँ पर अक्षा, अक्षा दिया हुआ है, तो अक्षा किससे किससे मिलकर बना हुआ है, क प्लस मूर्धन्य स, आधा क और मूर्धन्य स, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अक्षा बन जाते हैं। उसी प्रकार त्र, त और आधा र, त्र, ज्ञ, ज और इया से मिलकर बनता है, ह्रीन, ह और न से मिलकर बनता है, ह्री, ह और र से, प्र, प और र, ये दोनों मिलकर प्र बन जाते हैं। इसी प्रकार द और य, द्य बन जाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे दिया हुआ है चिन्हम, क्षत्रिय, ज्ञानी, विद्या, प्रहार, अश्व, राष्ट्रम इत्यादिनी, अर्थात यहाँ पर जितने भी ये जो अक्षर है और क प्लस स दिया हुआ है मूर्धन्य स, तो हम लोग जब इसको अलग करेंगे है ना, वर्ण विन्यास करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग अक्षर का जब वर्ण विन्यास करेंगे तो क प्लस स ही देंगे, ठीक है। स्वर, स्वरानाम व्यंजनानाम च मेलने सब निर्माणम भवति, तो स्वर और व्यंजन के मिलने से शब्द निर्माण होता है, अर्थात शब्द बनता है। वर्ण संयोग, वर्ण संयोग मीन्स क्या होता है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण संयोग, सॉरी वर्ण संयोग, वर्णों को एक साथ मिलाकर लिखना संयोग कहलाता है, अर्थात जो अलग अलग किया गया है उसको एक साथ मिलाकर। जैसे यहाँ पर देखिए क हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ प्लस टवर्गी न प्लस ई, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कर म नी, कर्मनी है ना, क में आधा क और अ मिला हुआ है, माँ में माँ, ये फिर इसका र हो गया, फिर माँ में माँ मिला, माँ और अ मिला हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार है त ई प्लस व प्लस र हलन प्लस अ प्लस म हलन, तो ये मिलकर क्या बन जाता है, तीव्रम, जब हम लोग इसको संयोग करेंगे मिलाएंगे तो क्या बन गया, तीव्रम। और वर्ण विन्यास क्या है, वर्ण विन्यास अर्थात वर्णों को अलग अलग करके लिखने की विधि को ही वर्ण विन्यास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बुद्धि, ठीक है, तो ब हलंत प्लस ऊ प्लस द हलंत प्लस ध हलंत प्लस ई, त
तब क्या हो जाएगा, ये इसका अलग अलग हो गया बुद्धि का। उसी प्रकार ज्ञानी का, तो ज्ञा किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ज और इया से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ज्ञा का क्या हो गया, ज प्लस इया, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है ना, इसीलिए आ प्लस न हलन प्लस, और यहाँ पर ई, कौन सी ई है, दीर्घ ई है यानी कि बड़ी ई है, तो यहाँ पर दीर्घ ई हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञानी, तो ये आप लोग याद रखिएगा, री यह स्वर है ना कि व्यंजन है, ये जो री है वो स्वर है, व्यंजन नहीं है यह, इसलिए व्यंजन के साथ मात्रा रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वृक्षा, यहाँ पर ये जो री का, तो हम लोग इस तरह से री लिखते हैं ऐसे, है ना। मृगा, यहाँ पर भी माँ में री, कृतम इत्यादि, स्वतंत्र रूप से ऋषि ऋषभा इत्यादि हैं, जैसे इसको अलग करके हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई भी लहुआ नहीं है। तो री का री, ये दोनों भेद जानना चाहिए, जैसे री स्वर पर री, और उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। र और ई, इसको अलग भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सुंदर राइटिंग में अपने नोटबुक में लिखिएगा, और फर्स्ट पेज में सबसे पहले अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और अपने नोटबुक में इसको सुंदर राइटिंग में लिखना है, और इसको ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।